भाई क्या चल रहा है? ईद मुबारक। ईद के साथ ज्ञानी वापस, अभिषेक आनंद पे अभिषेक वापस। अब ये देखो, ओपनिंग वीडियो की दोनों सेम हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है, बट वीडियो जाएगी दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है? तो अपने हिसाब से देखना। अभिषेक आनंद पे जा रहे हो तो अलग स्टोरी जाएगी, अभी ज्ञानी पे देख रहे हो तो अलग स्टोरी बताई जाएगी। तो मर्जी तुम्हारी है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो अगर तुम सोच रहे हो मैं इतने दिनों से कहाँ गायब था, तो मैं एक्चुअली मिसिंग नहीं था, मैं जिंदा था। पठान जिंदा है अभी भी भाई, ठीक है, जिंदा है, मर गया भाई। मैं जोक नहीं कर रहा, मेरे को लेजिट मैसेज आया। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, किसी ने देखी ही नहीं। वो तो मैंने वहाँ पे स्टोरी डाली थी कि मैं गया था रूटीन चेकअप भी गया। मेरा बेसिकली ना कमज़ोरी हो गई थी और मेरे को लगा गर्मी की वजह से हो रही है। तो पिछले एक महीने से ये प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे को खांसी की प्रॉब्लम हो रही थी, आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही थी, ये सब चल रहा था। तो मैं दवाई दी करवा था, बीच में ठीक भी हो गया था 4-5 दिन, और फिर वापस शुरू हो गया था। तो अभी क्या हो गया, इस बार बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सट्रीम ही हो गया, कोई भी काम नहीं आ रहा। मतलब इतनी थकावट हो गई, खाना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया, वीकनेस आनी शुरू हुई। तो ना भाई सब चला जा रहा, ना उठा जा रहा, मैं बैठा हुआ हूँ, ना बैठा तक नहीं जा रहा मेरे से, मन कर रहा है लेट जाऊँ सीधा। और अगर इवन मैं ट्राई कर रहा हूँ ना वीडियो रिकॉर्ड करने लिए, चाहे ज्ञानी की हो या अभिषेक आनंद की हो, तो मैं बोलने की कोशिश करूँ मैं और चुनाव ये बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से। मतलब ये हालत हो गई थी। तो मैं कहा एक काम करते हैं, रुकते हैं, इसको चेकअप कराते हैं। तो मैं गया कि चलो भाई अभी चलो डॉक्टर के पास चलो, अभी चलो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, थोड़ी एनर्जी आएगी, फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा। तो घर वालों ने कहा कि एक काम कर, कल चलेंगे हॉस्पिटल, अच्छे से चेकअप कराएंगे। मैं ठीक है चलो अगले दिन चलेंगे। तो उस दिन मैंने कुछ नहीं किया, पूरे दिन वेट किया, पूरी रात वेट किया। अगले दिन सुबह बिना सोए मैं चला गया, बिना सोए, मेरे को रात में नींद नहीं आती, चला गया। पहला दिन ये मेरा वहाँ पे गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, उसने सारी बीमारियाँ समझी, पता नहीं कितनी बीमारियाँ समझी। मेरी जी फट गई जितनी वो समझ रही थी। मैं कहा इतनी है दुनिया में एग्जिस्ट करने वाली? मैं कहा इनमें से आधी ज़्यादा तो ऐसा लग रहा कि हाँ ये तो मेरी होनी चाहिए, ये तो मैं खो सकता हूँ। अबे तुम्हें मालूम नहीं मैं क्या सेक्सी आदमी हूँ? सेक्सी नहीं, बहुत घटिया आदमी हूँ मैं, बात तो सही है। और प्लस ये था प्राइवेट हॉस्पिटल में, मेरी तो वैसे ही फटी रहती है प्राइवेट में कि बिल कटेगा गंदा। उन्होंने बोला मेरी सजेशन लो, अब भी एडमिट हो जाओ। हम गए थे क्या कराने, चेकअप कराने, उसने बोल दिया एडमिट हो जाओ। मैंने कहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चलते, अपने पास रिपोर्ट कार्ड है कि इसको बताया था हमने, सेम चीज़ बताएंगे वहाँ पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी, फिर हम दे देंगे नहले पे दहला, ये देखो ये भी बताया था, तो उसने ये बोला है, तो दोनों का सीन हो जाएगा। प्लस अपने पास दोनों साइड से कंक्लूजन होंगे। बट घर वालों ने कहा एडमिट हो, मैं गया था चेकअप कराने और मैं हो गया एडमिट। अब इमरजेंसी वार्ड में बैठे हुए, और इमरजेंसी वार्ड उनका ऐसा है ना, यानी क्या भाई हॉस्पिटल है वो, मस्त हॉस्पिटल है, बताऊंगा पूरी कहानी बताऊंगा, क्योंकि ये ज्ञानी पे आएगी। एक बंदा बोलता कार्ड वार्ड बनवाने के लिए, भाई गया जाता क्या कार्ड बनवाने के लिए, पापा मैं खड़े इमरजेंसी में बाहर वेटिंग साइड में। तो ये बंदा आता जो कोऑर्डिनेट करता है सिक्योरिटी से, वो कहता आप अंदर जाओ आपको बेड अलॉट कर दे रहे हैं। तो मैं अंदर जाता हूँ, अंदर कोई बेड ही खाली नहीं, एक बेड देते हैं वहाँ पे, पहले से एक बंदा बैठा होता है कि ये हमारा बेड है भाई साहब। मैंने कहा बोला मेरा है बे, और ऊपर से लोहे का, चल रहे तेरा भी नहीं है, चल झूठा, ऐसा नहीं बोला मैंने, दिमाग में मेरे यही था, बट हिम्मत नहीं थी बोलने की, ऐसा नहीं फट रही थी, एक्चुअली हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की, अरे बॉडी काम नहीं कर रही थी ना मेरी उतनी। तो मैं फिर बाहर आ गया, फिर वो दूसरा बंदा आया, बोलता अंदर चले जाओ। मैं अंदर जाता हूँ, अंदर खड़ा होता हूँ कि भाई अब कोई बंदा मेरे को बेड अलॉट करेगा, वहाँ से दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आता है, कहता बाहर जाके खड़े हो जाओ। मैं कहा बाहर चला जाता हूँ। फिर तीसरा बंदा, मैं कहा एक बार डिसाइड कर लो तुम्हें चाहिए क्या, अबे मंदिर का घंटा हो क्या, चले इधर जाओ उधर जाओ। अबे प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चले गवर्नमेंट में हो ना, फिर भी मैं मान लूँगा, इस चीज़ की इज्जत करूँगा, मैं फॉलो भी कर लूँगा, चले प्राइवेट हॉस्पिटल तुम्हें इतना ना क्या मचा रखा तुमने, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और ऊपर से जब मैं वेटिंग एरिया में था ना, हर दूसरे बंदे को यही सजेशन है, मेरा सजेशन है कि आप एडमिट हो जाइए। मैं कब क्या ये धंधा, ये क्या धांधली चल रही है यहाँ पे। मैं कहा अभी भी बोल रहा हूँ मजिंदिया चल लेते हैं, बट कोई सुनता नहीं मेरी। हम घुसते हैं, बेड मिलता है और मेरे को लिटा देते हैं। कहता वहाँ पे नोटिस चिपका हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक सोना कोई भी गैजेट अपने पास है तो अपने साथ वाले को दे दे बाहर वेटिंग के लिए, क्योंकि अंदर अगर कुछ खोया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं। मैं कहा पकौड़े तू मटेरियलिस्टिक चीज़ की कदर नहीं कर पाएगा, उसको सिक्योर नहीं कर सकता, तू मेरी बॉडी की सिक्योरिटी की बात कर रहा है, मैं कैसे भरोसा करूँ,
ये तो तू सामने से कह रहा भाई, तू अपने रिस्क पे है, देख ले भरोसा है कि नहीं भाई, है कि नहीं भाई। अबे भाई मन तो जिंदगी के साथ मजे लेगा तू। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलो हो जाता है, फिर कार्ड वार्ड बन के आता है भाई साहब। सबसे पहला काम वो उनका जो होता है, अरे सिरिंज यार, इंजेक्शन घुसेड़ देता है, खून निकालो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले खून निकल गया, फिर चलो चलो दोबारा दोबारा, मजा नहीं आया पहली बार, दोबारा निकालते हैं। चलो कोई बात नहीं, निकाल। इस बार निकालता जितना है ना खून, उसमें दो बाटली भरता है वो। मैं कहा चलो टेस्टिंग के लिए होगा। फिर कहता नहीं, दो बिगाड़ा तीन बिगाड़ा, मजा आएगा। फिर वो तीसरी बार लेता है, और वो नहीं होता जिससे ग्लूकोज चढ़ाते हैं, वो वाली पिन घुसेड़ देता है। और उसी की फोटो मैंने डाली थी, क्योंकि मेरे लिए दूसरा दिन चल रहा है वो, भाग्यों के लिए पहला दिन है, क्योंकि मेरे लिए पहली रात पहला दिन था, और ऊपर से मैं सोया नहीं, तो मेरा था कि यार जब तक ये टेस्टिंग वेस्टिंग होगी मैं नींद ले लूँगा। बट भाई वहाँ पे नींद ही नहीं आ रही, इतना कैओटिक माहौल है, पूरा इमरजेंसी वार्ड है वो, तो पूरे टाइम यही चलता है। और साला खाना खाने को देते मेरे को 4-5 बजे के करीब में। मैंने दिन से कुछ नहीं खाया, रात में मैंने 2 रोटी खाई है बस। मैं 2 रोटी खा के जिंदा था भाई पिछले 7-10 दिनों से, और अभी तो मैंने वो भी नहीं खा रखी है रात से। एक पूरा दिन हो चुका है मैंने कुछ ही नहीं खाया, मेरी हालत और ख़राब है। फिर मेरे को जो वो पता नहीं वो डीपी जो भी होता है, डिपार्टमेंट जनरल वार्ड जो होता है, उसमें शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ पे जाते हैं, रात हो चुकी है, ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, शाम के बाद ग्लूकोज चढ़ना शुरू। भाई इतनी बॉटलें चढ़ी है ना मेरे को, मैं पता नहीं मेरे को दारू की बॉटलें भी इतनी पी हैं कि नहीं मेरे, मैंने एक दिन के अंदर बाटली पे बाटली चढ़ाए जा रहे हैं। सोच ही नहीं, चढ़ाओ प्रसाद समझ के चढ़ा रहे हैं, ये है चढ़ा दो। बट इसका फायदा हुआ कि जैसे वो ग्लूकोज चढ़ने शुरू है ना, उसके बाद मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आ गई, तो थोड़ी वो होगी एक्टिवनेस आ गई मेरे अंदर, बोलने की, समझने की, करने की। बट फिर भी उनकी टेस्टिंग खत्म नहीं हुई। ये डे वन खत्म हो गया, टेस्टिंग खत्म नहीं हुई पूरा एंड तक, जब तक मैं डिस्चार्ज नहीं हुआ हूँ। इवन डिस्चार्ज होने से एक दिन पहले तक ये सस्पेंस चला है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बाद भी मेरा डिस्चार्ज कैंसिल कर दिया है। मेरे को संडे को ही छुट्टी मिल जानी चाहिए थी बट नहीं मिली है। कुल मिला के दूसरे पहले दिन के एंड तक ये तो कंफर्म था कि मुझे जॉइंटस हो रखा है, बट इसके साथ मेरा लिवर किडनी और पता नहीं किसी एक और चीज़ में कुछ इशू रखा था, पता नहीं क्या क्या इशू रखे थे मेरे इंटरनल बॉडी में। और रीज़न ये था कि लिक्विड इनटेक कम है और खाने का इनटेक कम है, और बाकी गलत हरकतें ज़्यादा हो रखी हैं, ऐसा बताया गया कि ये फर्स्ट वार्निंग है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये हुआ। अब भाई सैटरडे एंड तक आए, और सैटरडे एंड तक ये था, सैटरडे एंड तक किसी ने कहानी सुना दो। तो पहले मेरे था लगा हुआ यहाँ पे, तो सैटरडे एंड तक मैं कन्फर्म तो था जॉइंटिस हो रखा है, उसके अलावा ये 2-3 चीज़ें और हैं जो एक्सट्रीम हो सकते हैं फ्यूचर में जाके। सही है, डन है, सस्पेंसफुल माहौल है, मेरी फटी पड़ी है, बट मैं रिएक्ट ऐसे कर रहा हूँ, चिल आदमी स्वैगर ये बॉय। देखो अगर अभी भी कहानी में मजा नहीं आ रहा ना, और मैं तुम्हें लग रहा है फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये 3 दिन की कहानी है एक्चुअली, मेरे लिए 5 दिन की कहानी है, क्योंकि मेरे लिए टाइम स्लो चल रहा था, बाकी लोगों के लिए सेम ही चल रहा था। अरे मैं एक्स्ट्रा लाइफ जी रहा था ना, तो मेरे लिए डबल चल रही थी, डबल शिफ्ट चल रही थी, बाकी के लिए वो सिंगल शिफ्ट चल रही थी। तो जिस जगह पे हमें रखा गया था बेसिकली, उस जगह पे कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है कोई आइडिया नहीं। बाहर बारिश हो रही है, धूप निकली हुई है या लू चल रही है, कोई आइडिया नहीं। अंदर का माहौल एकदम आइसोलेटेड, बाहर जाना अलाउड नहीं। मैं अगले दिन उठा, मैं कहा उठा भी क्या, मैं जैसे ही सोने जाता था ना, मेरी किस्मत है चारों दिन जितने भी हॉस्पिटल में रहे हम लोग, मैं जैसे ही सोता, वैसे तो मेरे को नींद नहीं आँख बंद करके पड़ा हुआ कुछ सोच रहा हूँ या कर रहा हूँ सुन रहा हूँ, और जैसे ही मेरे को नींद पड़ती उसके 5 या 10 मिनट के अंदर कोई आ जाता कि उठ जाओ अब कुछ टेस्ट करवाने हैं। मैं कहा अभी तो सोया था मैं। अरे एक बार नहीं हुआ, हर बार यही हुआ है। अबे एक तो मतलब नाइट डॉक्टर तो फिर भी ठीक थी, साले ये जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले थे इतने हरामी थे। तो मेरा जो पहले यहाँ पे लगा था तो उसमें एक बंगालन थी, हरामन थी, चलो हरामन कह देते उसे, बंगालन तो फिर भी थोड़े सही होते हैं, थोड़े दर्द समझेंगे। उनको मेरे दर्द समझ में नहीं आया, वो उनको अपनी पता नहीं जॉब से प्यार था या मेरे से ज़्यादा नफरत थी, क्योंकि मेरे नाखून बड़े थे उसे पसंद नहीं आए। तेरे नाखून नहीं आते लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है, नाखून के साथ मेरे समझ में नहीं आता। मेरी बहन मेरे से जेलस कि तेरे नाखून इतने अच्छे क्यों हैं, मैं नेल की क्या कहते हैं मेडिकोर पेडिकोर कुछ नहीं कराता, मेरे फिर भी बढ़िया है।
आते तो आते हैं यार, मैं क्या करूँ, मैं तो मेंटेन भी नहीं रखता। अब उनके नहीं आते होंगे तो जेलस फील करते हैं। पता नहीं क्या जेलसी में किया या किसी की खुन्नस में किया भाई, यहाँ पे गांठ बननी शुरू हो गई। अभी भी मेरा ये हाथ देखोगे सूजा हुआ है एज कम्पेयर टू दिस हैंड, ये पूरा सूजा हुआ है। तो रात में एक डॉक्टर आती थी, क्या नाम था उनका, पूनम करके नाम था, पूनम पता नहीं क्या है नाम है, सरनेम नहीं मालूम, पूनम ही लिखते थे। वो थोड़ी काइंड हार्टेड पर्सन थी, वो थोड़ा समझने की कोशिश करती थी। तो उसको मैंने बताया रात में कि ये पेन कर रहा है मेरे को, बट उसने सेम चीज़ जो उसने जिसकी वजह से दर्द हुआ सेम चीज़ उसको भी करनी थी। उसने बड़े प्यार से किया, कोई पेन नहीं हुआ, मतलब दर्द तो हो रहा था बट जैसा वो पेन क्रिएट किया उसने ज़बरदस्ती फोर्सफुली, वो चीज़ होने के बावजूद उसने जो किया, जिसको अपना जॉब पता होता है ना केयर से करना है इस चीज़ को, हमको इस काम को करना है वरना इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, वो उसके समझ में आया, उसने किया। और उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, लेजिट लेजिट रिस्पेक्ट है उस डॉक्टर की। वो पूरी रात भर भाई बड़ी काइंडनेस के साथ सब पेशेंट के साथ काम कर रही है, और उसके बाद मेरा को भी ध्यान रख रही है, क्योंकि जितना ग्लूकोज चढ़ेगा मेरे को जितनी भी बार मेरे को रखा जाएगा उधर हैंगर के साथ आईवी आईआई जो भी कहते हो उसे, उतना ही तुम वॉशरूम भागोगे। तो हर बार तो पूरा ख़त्म करने के बाद जा नहीं सकते, क्योंकि इतनी इतनी बड़ी थैली होती है, वो इतनी बड़ी थैली कहाँ, इतनी बड़ी बड़ी थैली लग रही थी मेरे को, तो बुलाना पड़ता था कि रोको डिस्कनेक्ट करो मैं वॉशरूम जाऊँ, फिर वापस आऊँ, फिर कनेक्ट करो इसे, तो दो बार उनको भागना पड़ता था मेरे चक्कर में। तो वही गुस्सा था उस पहली वाले को जिसने चोट दे दी। अब अगले दिन सीनियर डॉक्टर आया, उसने देखा, तो उस दिन मेरे को ऑलमोस्ट ऐसा था कि 40% था कि डिस्चार्ज मिल जाता, बट मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो पहले जो सीनियर डॉक्टर आई उसने बोला कुछ मत बताना उसको, तुम बस बता देना क्या हुआ है। तो उसने मैंने बस दिखाया कि ये पेन का, वो समझ गया कि गांठ बन गई है। तो उसने बोला वो जो ग्लूकोज वाला होता है वो स्ट्रिप चेंज करो वहाँ से। तो उन्होंने चेंज किया और किधर इस साइड में डाला, ठीक है डन है। अब जिसने डाला उसको पहले गुस्सा रखा था कि जिसने पहले इमरजेंसी वार्ड में ये डाला था वो सही नहीं डाला था, तो उसने दिमाग लगा के डाला होगा, है ना, तुम्हें लग रहा होगा कि फिर उसी ने सेम प्रोसेस किया जिसकी वजह से यहाँ पे गांठ शुरू हुई थी। अब यह तीन डॉक्टर इन्वॉल्व है, एक जिसने यहाँ पे गांठ दी, दूसरा जो खुश नहीं थी कि यहाँ पे जो इमरजेंसी वार्ड में बंधा था उसने यहाँ पे बांधा। अब दूसरी बार ये सेम प्रोसेस करने वाली थी जो उसने किया था, और इन दोनों के बीच में वो तीसरी नाइट शिफ्ट वाली डॉक्टर थी जो दोनों के साथ साथ दो दिन से डेली सेम प्रोसेस कर रही थी, पर मुझे अभी तक एक बार भी पेन फील नहीं हुआ था। इसने सुबह बांधा और दोपहर तक यहाँ पे गांठ बन गई यहाँ पे। अगले दिन तीसरे दिन फिर से चेंज हुआ और यहाँ पे बांध गया, यहाँ पे समझ रहे हो तुम, तीसरे दिन चेंज हो गया, यहाँ पे बंधा है और यहाँ पे पता नहीं वो रेंट के लिए कमरा ढूंढ रही थी मेरी बॉडी में। अरे प्लेट घुस, तुम सोच रहे हो सुई घुसी पड़ी है, निकाल रही है डाल रही है निकाल, मैं कर क्या रही है और मैं ये होते हुए देख रहा हूं क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। फिर उसने किसी तीसरे बंदे को बुलाया, वो बंदा जीनियस आउट ऑफ द वर्ल्ड बंदा ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सही, उसने दो तीन चीजें करी बहुत सही करी, एक्सपीरियंस लगा मुझे। उसने इस साइड में बांध दिया। अब प्रॉब्लम पता क्या है कि पिछले तीन दिन से मैं इस हाथ के बल पे सो रहा था और इस साइड में स्टैंड था ग्लूकोज के लिए, तो मेरा पूरा फोकस मतलब प्रेशर इस हाथ में पड़ा हुआ है। अब तो मेरे को आदत हो गई है इस चीज को मेंटेन रखने की तीन दिन के अंदर, अब ये यहाँ पे अब मेरे सोने के लाले पड़ने वाले यहाँ पे। उसने कर दिया, अब इसके बाद शुरू होता है कि अब डिस्चार्ज होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं बट उतने तेजी से नहीं हो रहे, और इंटरनल जो ऑर्गन्स रिलेटेड है वो उतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा रहे हैं जितना वो उम्मीद कर रहे थे, जितना मेरे को हॉस्पिटल में रख के उम्मीद रख रहे थे। पता नहीं क्या हॉस्पिटल में कुछ कर भी नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, आराम से लेटा पड़ा रहता था या जगा रहता था या फिर सुई लगा के कुछ बॉडी में चढ़ता है फिर उसका टेस्ट मुंह में आ रहा है। मैं पता नहीं अभी भी मेरा मुंह में कुछ अजीब सा टेस्ट बना पड़ा है। तो फिर उसने बोला एक और टेस्ट होगा उसके बाद डिसाइड करेंगे। मैं संडे के दिन मतलब इतना श्योर था ना, इतना श्योर कि मैं एक्साइटेड था, मैं सोया भी नहीं रात भर कि चांसेस है भाई आज मेरे को छुट्टी मिल जाएगी, घर जाएंगे आराम से स्प्लिट्स वाला देखेंगे मस्त मजे में। उसने ये बोल दिया दिन में, मेरा मूड ठनक गया, मेरा मूड खराब तो मेरा मूड खराब, अब मेरा ठीक है।
शाम तक मैंने कन्विंस किया कि भाई तू कल छोड़, तू परसों भी कहीं नहीं जा रहा, तू तरसो नरसो जाएगा, ये पैसा बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। अब जो मैं याद, वो नाइट वाली डॉक्टर, वो जीनियस थी। वो आई, मम्मी थी मेरे साथ उस रात, उस दिन शाम में, ये मेरे डिस्चार्ज होने, मतलब मैं आज डिस्चार्ज हो रहा हूँ, ये कल की बात है। तो वो आई, तो तुम बताया था यूरिन काउंट कर रहे थे हम लोग कि कब जा रहे हैं, कितना कर रहे हैं, तो उस दिन मैंने किया ही नहीं। तो उसको बताया मैंने, मैं मेरा मूड खराब हो गया था, प्लस जिसमें हम मेजर कर रहे थे, जिसमें मैं मूत रहा था मेजर करने के लिए, भाई घिनौना है बट सच है, यही कर रहा था मैं, चार दिन यही किया मैंने। तो उसको पता चलता ये, तो फिर वो समझ जाती क्या सीन है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि टेस्ट में होता क्या है, तो मेरे को समझ में नहीं आता, मैं गूगल करता हूँ, मेरे को जितना समझ में आता है कि जॉइंटिस के लिए टेस्ट क्या होता है, तो मेरे को आँखों की वो जो येल्लोनेस होती है ना, उससे समझ में आता है। तो मैं कहा भाई येल्लोनेस कैसे चेक करेंगे, आँख चेक करेंगे उसके हिसाब से होगा, मैं जीनियस आदमी, ज्ञानिया ही नहीं माने हम। पता चला ब्लड टेस्ट से होता है ये सब, रिपोर्ट आती है उससे पता चलता है ये सब, ये बताना था। बट प्रॉब्लम ये थी कि इस सब की टेंशन में मैं चाय ज़्यादा पी गया, और ऐसा भी नहीं कि यूरिन नहीं हो रहा है या नंबर टू नहीं हो रहा, बहुत सॉलिड हो रहा है, मस्त एक नंबर, खुश जब भी जा रहा, प्राउड फील करा के आ रहा अपने आप को। बट जा बहुत बार रहा था मैं, तो उसने समझाया कि भाई ये गड़बड़ है, ये मत करो, ये करोगे तो फिर जाओगे। और उसने जो बोला ना रिजल्ट में एग्जैक्टली वही आया। पहले जिस दिन मेरे को कैंसिल किया, उस दिन बोला गया टाइफाइड के लिए, टाइफाइड के लिए टेस्ट होगा। तो रात के 3 बजे मैं सोया हूँ, ऑलमोस्ट सोया हूँ, तभी वो आ गई टाइफाइड के लिए ब्लड लेने, रात के 3 बजे ब्लड ले रहे मेरे से, रात के 3 बजे। एक ही कोई सेंस नहीं, रात के 3 बजे खून निकालना, काली पूजा करोगे क्या इसके साथ? मैं 3 बजे निकाला। अगले दिन रिपोर्ट आया, डॉक्टर आया, उसने देखा, कहते नहीं ये उस दिन है जिस दिन मेरे को रिजेक्ट किया है, टाइफाइड का रिजल्ट देखेंगे, देख लिया है बट उसके बाद भी नहीं है, एक और दिन रखेंगे ऑब्जर्वेशन में, ये फिर उसने दे दिया दूसरा, ये क्या कहते हैं जॉन्डिस के लिए। तो उसको, अब उसको पता था, तो उसने बड़े दिमाग से खेला जो भी खेला, बट उसने एक्स्ट्रा बोतल ग्लूकोज चढ़ाया मेरे को रात को 11:30 बजे के करीब में। और ये पहली रात थी इतने दिनों में जब मैं सोया, जब मैं सोया, मैं अभी तक ना पूरी रात भर में एक बार भी एक घंटा प्रॉपर नहीं सोया हूँ, 15 मिनट 10 मिनट और मेरी आँख खुल जाती थी, आँखों को एक जगा देता था। इस बार उसने देखा कि सोया है, उस डॉक्टर को पता था कि मैं जगा रहता हूँ पूरे टाइम, उस डॉक्टर को इतना भी पता था कि मेरे को भीड़ में रहना पसंद नहीं, क्योंकि जैसे वो आती थी मोड़ के खड़ा हो जाता था, कहते तुम्हें हर बार करने की जरूरत नहीं, इतना ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं, मैं हो जाता हूँ, आदत नहीं है मेरे को, आदत नहीं पर हो जाता हूँ। तो इस बार ये आई 3 बजे के करीब में, इसने मुझे उठाया और भाई मेरे पापा मेरे से पहले जगे हुए, मेरे को समझ नहीं आया पापा ने उठाया होगा मेरे को, और पापा ने उठवाया, मैं चलो लो ब्लड दिया, फिर मैं सो गया। अब इसके बाद मेरे को 5 बजे फिर के करीब में उठा के ग्लूकोज चढ़ा रहा था, पता चला कि पापा जगे हुए थे, ये डॉक्टर आई, इसने देखा मैं सो रहा हूँ, ये चली गई वापस चली, मेरा इतनी काइंडनेस नहीं दिखानी होती, उठा दे भाई, ये ज़्यादा ज़रूरी है अभी मेरे लिए, डिस्चार्ज होना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा काम लटका पड़ा है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं मेरे इस महीने कितने बने हैं और वहाँ पे खर्चा कितना हो गया मेरा, हाँ इसलिए ज्वाइन मी और डोनेट वट एवर यू कैन डू, भीख मांगना मेरा काम है, ऑफिशियल भिखारी ज्ञानी। तो फिर इवेंचुअली उसने किया, फिर रिपोर्ट आई, पेंडिंग थी, कुछ रिपोर्ट पेंडिंग थी, बट जब तक उसने रिपोर्ट देखा उसको आइडिया लग गया था कि मैं आज डिस्चार्ज हो जाएगा, मेरे को भी उसकी स्माइल देख के लग गया था कि आज मैं जा रहा है, बट उसकी नाइट शिफ्ट है तो मैं उसको थैंक यू नहीं बोल सकता था अगर मैं डिस्चार्ज हो जाता आज, मतलब जैसे आज मैं हो गया हूँ, तो मैंने उसी टाइम बोला कि ये देखो अगर हो गया तो अभी थैंक यू इतना ध्यान रखने के लिए, बट अगर नहीं हुआ तो फिर रात में मिलते हैं, मैं ऑकवर्ड हूँ चीज़ों में भाई, जेन्युइनली थैंक यू भाई, जो भी बंदी है वो बहुत सही काम कर रहे हो, अपना दिल से रिस्पेक्ट है उस चीज़ के लिए। बट अपेरेंटली हो गया मेरा डिस्चार्ज, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी 3 दिन बाद, मतलब आज हटा दो, 21 तारीख को मैं वापस जाऊँगा, कुछ टेस्ट होंगे या क्या होंगे वो नहीं मालूम मेरे को भी, वो चेक करेंगे मेरी, जो भी टेस्ट ही करेंगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है या कुछ और डिक्रीज कर दिया है मैंने उल्टी सीधी हरकतें करके, जो मैं करूँगा नहीं फिलहाल ऑफ कोर्स, पहले जो इंडेक्स फिक्स करेंगे और उसके बाद जो भी होता है मैं बताऊँगा तुम्हें। बाकी यहाँ के लिए ये एपिसोड यही ख़त्म कर रहे हैं, अभी कोई सजेशन हो इस चैनल के लिए तो बताओ क्योंकि अभी मैं बाकी जो बचे हुए दिन
इसमें मैं दो वीडियो बनाऊंगा डेली, एक अभिषेक आनंद के लिए और एक यहाँ के लिए। यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक होगा, वहाँ पे मैं मुनव्वर कंटिन्यू रख रहा हूँ जब तक बिग बॉस शुरू नहीं होता। बिग बॉस शुरू होने के बाद भी मुनव्वर कंटिन्यू रखूँगा, तो वो देख लेना। बाकी ज्ञानी के लिए अगर तुम्हारे पास कोई टॉपिक हो तो लेट मी नो। बाकी मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट।